जिले के खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर को दो कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम बारवा मिल टेमरनी के समीप हुई। अस्पताल में उपचाररत रवि ने बताया, वो बमनाला निवासी होकर खरगोन की ओर आ रहा था, तभी सामने से खरगोन की ओर से आ रही कार के चालक ने विपरीत दिशा से वाहन चलाते हुए सामने से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शी दिनेश ने बताया कि वह भिकनगांव निवासी होकर खरगोन आ रहे थे। टेमरनी के समीप दोनों कारों की टक्कर देख रुक गया। एक कार में रवि सवार था, जबकि दूसरी कार में एक बच्चा, एक बुजुर्ग और युवक सवार थे। 108 को सूचना देकर उन्हें अस्पताल लेकर आए। चिकित्सक के मुताबिक दो लोगों की हालत गंभीर होने से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया, जबकि बच्चे के सिर में भी गंभीर चोट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैं उधर भिकन गांव से आ रहा था, तो लाखी बिलाली मतलब ये अपनी लल्ली टेमली का जो पुल है वो क्रॉस हुआ, उसके आगे मतलब यानी वो फाटा है। कौन सा फाटा है? सगुर, हाँ, बारवा मिल सगुर बगुर। तो वहाँ पे जैसे मैं इधर से मतलब भिकन गाँव से खरगोन के लिए जा रहा था, वैसे सामने आमने सामने इनको देखा तो दोनों के भिड़न हो गए, और भिड़न होकर सीधे गाड़ियां ऐसे साइड में हो गए। उसमें सर अभी तीन लोग दिखे मेरे को, तो एक लोग रोड के साइड में बैठा हुआ था, उससे पूछा भाई और कोई तो नहीं अंदर, बोले नहीं है। फिर ये दूसरी गाड़ी में देखा तो एक बालक था, तो 108 आती नहीं, इसलिए मैंने ये आ रही थी अपनी बुलेरो गाड़ी, और भाई वो मदद ली। मैंने कहा भैया तू इसको ले जा, कोई परेशानी आती तो मैं पीछे से वीडियो बना करके आ रहा हूँ, तेरे ऊपर नहीं दिक्कत आए ऐसी, क्योंकि तू अकेला बच्चा कोई है नहीं साथ में, इसको कैसा एडमिट करवाने लिया है तुम। तो मैंने कहा तू इनको ले जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ वीडियो बना के। मेरे पास पिकअप थी, दिनेश यही खरगोन बारवा मिल के पास एक्सीडेंट। ये भैया सामने से एकदम से ले आया गाड़ी, रॉन्ग साइड गाड़ी, मेरी साइड गाड़ी ले आए, एकदम से गाड़ी सामने सामने ठोका गए। बमनाला से आ रहा था, ये लोग किधर से आ रहे थे? ये खरगोन से आ रहे थे, इधर गाड़ी आप चला रहे? गाड़ी में चला रहा था। क्या नाम है आप? रवि। कहाँ रहते हैं? बमनाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।